हेलो हेलो हाय हाय एवरीवन, हम लोग एक नए एडवेंचर पे निकल चुके हैं। हम लोग का मतलब अभी ग्लिम्सेस में आपको दिखाया होगा, पीछे अपने साथ मनोज भाई की हैरियर और अपनी ग्रैंड विटारा, कुछ पुराने दोस्त निकल गए हैं एक नए एडवेंचर के लिए। वो एडवेंचर क्या है, कहाँ है, जल्दी से आपको दिखाते रहेंगे। अभी आपको लेके चलते हैं थोड़ा सा रास्ते पे और फिर धीरे धीरे और बातें करते हैं और फिर आपको पहुँचाएंगे लोकेशन पे। आपने थोड़ा बहुत तो देखा है, हमने एक्चुअली ना लेट नाइट दिल्ली से जर्नी स्टार्ट कर दी थी। हम लोग अभी हैं कहीं पंजाब में, एक्सपेक्टेड है कि हम लोग पहुंचेंगे अपनी लोकेशन पे आज दोपहर 1 या 2 बजे तक। तो चलो रास्ते में और बातें करते हैं, रास्ता दिखाते हैं और पहुंचते हैं लोकेशन पे। लेट्स सी यू ऑन द वे। हम लोग ऑन द वे हैं टूवर्ड्स खजियार। अभी मतलब मैं कभी वहाँ गया नहीं हूँ यार, मेरे एक्सपीरियंस है नहीं उस जगह के बारे में बिल्कुल भी, बट ऑफ कोर्स मनोज हैज बीन देयर। देखो आगे बीच में जाना, तंग करने वाले लोग, गल करने वाले लोग, हंसने वाले। हाँ आ रही है आवाज, आ रही है, क्या करना है, आवाज आ रही है तो अच्छा ठीक है, हम कराते हैं बच्चे टट्टी पेशाब कराते हैं बेटा, अभी रोक के रखना है, गाड़ी में मत कर देना बच्चे। मेरे को मूड आ गया दोबारा, बहुत जोर का प्रेशर आ रहा है यार, रोक लो यार प्लीज। ठीक है बच्चे, बस दो मैंने कहा था ना घर पे डायपर पहन लो, सुनते नहीं हो ना तुम पापा की बात, गलत बात बच्चे। लगता है भाई शांत हो गए, कुछ देर के लिए गुस्सा खाएगा, आप बोलेगा थोड़ी देर बाद जहाँ उतरूंगा ना वहाँ पीलेगा मेरे को। चलो सही है यार, सो राइट हम लोग खजियार की तरफ जा रहे हैं। लोकेशन इज गोइंग टू बी ब्यूटीफुल आई गेस, क्यों मतलब क्योंकि मनोज भाई के साथ जाओ, रैंडम वाला प्लान होना तो कुछ बढ़िया ही मिलता है, ब्यूटीफुल मिलता है। फॉर नाउ द सिचुएशन इज मनोज भाई इज ट्राइंग आउट द ग्रैंड विटारा और थोड़ा सा ना उनसे पूछते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा है। अभी उन्होंने आई थिंक 10 किलोमीटर के करीब तो ड्राइव कर लिया है, तो 20-25 चल गया है, ठीक है। तो अब उनसे पूछते हैं कि उनको ना बेसिकली क्या लग रहा है। ऑफ कोर्स लेकिन ना देखो देखो भाई, इनको ना जिनको टॉयलेट आ रही है उनको साउंड भी नहीं है, और ट्यूबवेल की बात। चलो इंटरव्यू तो ये कर दिया बंद अपने। अच्छा सब क्रिटिकल बात, सो मनोज भाई से पूछते हैं कि हाउ हैज बीन हिज ड्राइविंग एक्सपीरियंस। तो चलो सुनो। हाँ जी मनोज भाई बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल लव यू ऑल यार, लव यू ऑल एंड दे ऑल लव यू। तो भाई देखो जो मेरा क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस ऐसा है कि आई एम एक्चुअली लविंग दिस कार। भाई साहब इंजन जो इसका केबिन नॉइज है एकदम जीरो है, गाड़ी का पता चल रहा, गाड़ी स्टार्ट है चल रही है, मतलब बंद है या स्टार्ट है। और इसकी जो सिटिंग पोजीशन है ना वो इतनी कमांडिंग है ना, जो इसका सामने व्यू है ना इतना परफेक्ट है ना यार, मतलब आई कैन जब पार्किंग कहीं गाड़ी लगाऊंगा ना तो मुझे पता लगेगा कि गाड़ी कितनी दूरी पे मुझे खड़ी करनी है, जो नॉर्मली गाड़ियों में कम दिखती है। और इसका जो पिकअप है दैट इज अगेन वेरी वेरी गुड, मजा आ रहा है भाई गाड़ी चला के, बहुत स्टेबल गाड़ी है, मजेदार। अभी 110 तक हम गए थे, ठीक है हाईवे है भाई इसलिए गए थे, ठीक है तो चली जाती है भाई गलती से भी, तो पता भी नहीं चल रहा था कि भाई 100-110 में गाड़ी चल रही है, मजेदार। स्टेबिलिटी तो बिल्कुल इशू नहीं है, बहुत मजेदार गाड़ी है भाई। ब्रेकिंग में सही लग रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है ब्रेकिंग में भाई, बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है, मुझे एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस दे रही, मैं ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा हूं इसकी ब्रेकिंग से। नहीं नहीं वो नहीं करना मैं यार, नहीं नहीं अच्छी है भाई ओवरऑल, बहुत सही है। नहीं और जो चीज इम्पोर्टेंट थी वो वाली तो हो ही रही है। हां भाई साहब गाड़ी में एसी चला चला के सो रहे हैं हम, और उसके बाद ये देखो पेट्रोल गाड़ी है, 15.5 की एवरेज की है, 15.5 की एवरेज है। हां तो यार मतलब ये चीज तो बहुत ही सही है, माइलेज बढ़िया आ रही है गाड़ी की यार। और सबसे अच्छी इसका ये जो ये स्क्रीन है इसका, क्या मस्त इसका वो है, कोई लैग नहीं है इसमें, टच जैसे मर्जी यूज करो, टच बहुत स्मूथ है इसका, वेरी नाइस।
सही गुड यार गुड चॉइस तुक्का सही लग गया भाई तुक्का सही लग गया। कई बार क्या होता है कि यार पता ही नहीं होता कोई गाड़ी यार हमने ना कभी देखी थी ना कभी चलाई थी तो बट एक ये थी कि हाँ ओवरऑल ना ग्रैंड विटारा इंटरनेशनल मार्केट में ना मैंने आपको याद है बताया था खरीदने से पहले मैंने ना इंटरनेशनल मार्केट वाले ग्रैंड विटारा का बड़ा वो देखा बहुत फॉलो किया रिव्यू किया उसका ना ऑनलाइन यूट्यूब वीडियो से तो वो जो इंटरनेशनल मार्केट्स में बिक रहा है ना ग्रैंड विटारा का वेरिएंट यार ऑफ कोर्स इससे पिछले वाला डिजाइन था और वो इंडिया में तो लॉन्च ही नहीं हुआ था बट यार उसके रिव्यूज भी ना अच्छे थे फॉर अ सब कॉम्पैक्ट एसयूवी भाई रिव्यूज बाहर भी अच्छे थे और अब हम लोग को तो पसंद आ ही रही है बाकी देखते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यार हां मैंने छोड़ दिया था बताओ देखो बहुत मस्त गाड़ी है बस हैरियर 20 है या 18 है बस बाकी सब अच्छा है भैया ये काट रहा हूं मैं बातें खत्म हो गई ये काट रहा हूं मैं कट ये बदला वर्ल्ड ऑफ यार बेसिकली एक छोटा सा ना ये भी ट्रायल टेस्ट करके देख रहे हैं हम लोगों ने ना पंजाब में दोनों गाड़ियों का ना टैंक फुल कराया था और ऑफ कोर्स है कोई एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं है एक गाड़ी फुल साइज एसयूवी है एक सब कॉम्पैक्ट एसयूवी है एक डीजल है एक पेट्रोल है बट जस्ट एज अ कंपैरिजन एक बार देखते हैं कि कौन सी गाड़ी ने ज़्यादा तेल पिया ऑफ कोर्स मुझे पता है कि विटारा ने ज़्यादा ही तेल पिया होगा बट हाँ दोनों टैंक्स फुल कराए थे साथ में सेम पंप से कराए थे सो नाउ लेट्स सी व्हाट वी गेट द फिगर्स एट कितना तेल हैरियर ने पी लिया और कितना विटारा ने हाँ जी बहुत छोटा है नहीं उससे क्या फर्क पड़ता है 45 है सर उससे क्या फर्क पड़ेगा देखो हम दोनों नहीं नहीं मैं ये बोल रहा हूँ सेम फुल था जब हम दोनों निकले थे नहीं नहीं मैं यार मुझे ऑलरेडी पता है आग लगती है ना जब लोगों को कुछ भी बकवास करने लगते हैं जब लोगों को आग लग जाती है तो कुछ भी कर रहे हैं देखो उल्टे सीधे सवाल पूछ रहे कह रहे किसने कितना वो है भाई दोनों गाड़ियों में तेल फुल था सेम जगह पे फुल था वहां से सेम रूट से आ रहे हैं अब ओके हैरियर में आया अप्रोक्सीमेटली 32 लीटर समथिंग बस 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 देखो इतना आया और इसमें आया ऊपर तक अभी चल ही रहा है इसमें पेट्रोल धीरे धीरे भर रहा है लेट्स सी ये हारेगा अब इसमें हार जीत नहीं है एक सिंपल सा कंपैरिजन है हाँ। हारेगा तो हारेगा बस अच्छा ठीक है भाई ठीक है क्योंकि ये है देखो मारुति देखो आग कैसे लगती है ना मैंने इसकी दवाई अभी ले ली थी पीछे अस्पताल से 30 लीटर से ऊपर गया तेरे हैरियर वाले बंदे है ना ये लो 30 लीटर सुनो मेरे में फालतू डाल दो भैया जितना फालतू हो सके डाल दो खींचो खींचो कर दो 2-3 लीटर दो बाहर नहीं आना चाहिए बस भैया बाहर नहीं आना चाहिए बस हाँ डालो 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 मनोज भाई तुम्हारे में भी इतना ही डाला था रोना धोना कम मजा आ बराबर है बराबर है डाला था भाई अबे तो तुम्हारे 2 व्हील है इसका 4 व्हील है तुम समझते नहीं हो चल साले 4 व्हील का लिया तो यार बेसिकली क्या है यार ये 100 ग्राम 200 ग्राम का खेल तो मनोज भाई को मजा आते खेलने में क्योंकि वो थोड़ा ना सोर लूजर है बट बेसिकली सोर लूजर बट बेसिकली यार द फाइंडिंग इज सिंपल कि दोनों ही गाड़ियों में ना लगभग सिमिलर अमाउंट ऑफ फ्यूल डला है तो अ बिग साइज एसयूवी यूजिंग अ डीजल इंजन अब यहाँ पर सिर्फ एक कंपैरिजन का जो डिफरेंस आया ना वो ये आ रहा है अरे यार शोर भाई सिर्फ शोर मैं सिंपल लॉजिक ये भाई डीजल इज चीपर पेट्रोल महंगा है दोनों गाड़ियों ने लेकिन अप्रॉक्सीमेटली सेम अमाउंट ऑफ फ्यूल कंज्यूम किया है बट हाँ साइज में भी बहुत फर्क है दोनों गाड़ियों के हैरियर बहुत हैवी है इस गाड़ी से आई थिंक कम से कम 1000 किलो ज़्यादा भारी है तो वो भी एक डिफरेंस है बट ओके ओवरऑल एक छोटा सा कंपैरिजन था वो हमने देख लिया इससे ना कोई लॉजिक या सेंस नहीं है बस देखना था तो देख लिया अब आगे देखते हैं आपको रस्ते में और अब सीधा कैंप साइट पर दिखाएंगे रस्ते में चलो
फाइनली यार शॉर्ट्स में आप देख ही रहे होंगे खजियार पहुंच गए हैं। दिस इज माय फर्स्ट टाइम। बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और ब्यूटीफुल जगह है भाई। मतलब जहां तक देखो ना इतनी प्यारी, ऐसा लग रहा है कि वो नहीं होती वेल मेंटेन्ड ग्रास होती है, कट होती है जो भाई वो वाली ग्रास हो, बट एक्चुअली ऑफकोर्स ये नहीं है, नेचुरल है ये। इतना सुंदर है ना यहाँ पर सब कुछ मेडो, और मेडो के अंदर ना कैटल्स ग्रेज कर रही हैं भाई। ये तो मैंने विदेशों में देखा था भाई, मतलब शायद एक बार कभी स्कॉटलैंड गया था तो उधर देखा था, और जो यूके की कंट्री साइड होती है ना, यूके के गांव, तो वहां कहीं देखे थे भाई। अमेजिंग व्यू। और जो हमारे को यहाँ हेल्प करने वाले ना लोकल गाइड जो हैं हमारे, जो हमें कैंपिंग स्पॉट दिलाएंगे, वो भैया भी आ गए हैं, तो वो अभी हमें ना ऑल्टो में आगे लीड करेंगे। वी विल गो फाइंड द स्पॉट विद हिम और वहाँ कैंपिंग की सेटअप शुरू करेंगे। अभी भी ना सन डाउन नहीं हुआ है यार। इट इज़ रियली रियली ब्यूटीफुल राइट ना। मतलब इतना कैसे समझाऊं आपको, मतलब ठंडी हवा है, धूप की गर्माहट है। देखो भाई साहब, मतलब सही जगह आ गया। आई एम रियली लविंग दिस प्लेस। ऑफकोर्स यहाँ से कैंप साइड अगर ज़्यादा दूर नहीं हुई ना, तो अगेन इस कैंप ग्राउंड में कल मॉर्निंग वॉक के लिए आ सकते हैं। यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ भी होती हैं, वो भी करने आ सकते हैं, तो वो थोड़ा सा आगे देखते हैं इससे पहले कि सनडाउन हो जाए। लेट्स गो फाइंड द कैंप स्पॉट और कैंप अपना ना कैंप वहाँ सेटअप करना शुरू करते हैं। हैरियर, विटारा, सारे भाई लोग ना इधर उधर फोटो वोटो खींचने चले गए हैं, मजे वजे कर रहे हैं। कोई शायद लगते हैं कुछ खाने वाने भी चले गए, वो सब होता रहेगा यार। अब आपको जल्दी से कैंप स्पॉट पर लेके चलते हैं। शाहरुख खान बाहर आ रहे तुम्हारे लोकेशन पे आके। सही है, सही है यार। अमेजिंग लोकेशन पे हम पहुंच गए हैं। हमारे ना दोनों कैंप सेटअप हो गए हैं, चेयर्स निकाल लिए हैं, किचन की तैयारी कर रहे हैं। बाकी ना बंदे कुछ वॉक पे गए हैं उधर देखने के लिए कि उधर और क्या क्या अवेलेबल है। ये साइट अमेजिंगली ब्यूटीफुल है यार। हम लोग जिस तरीके की साइट पे कैंपिंग करते रहते हैं, ऑफकोर्स ये टॉप थ्री में है उनमें से यार। और लोकल सपोर्ट कितना क्रिटिकल और कितना इम्पॉर्टेंट है ना यार, ये चीज़ ना मतलब मैं स्ट्रेस इनफ नहीं कर सकता। बहुत ज़रूरी है कि आप लोकल्स के साथ टच बेस बना कर रखें, उनके रेफरेंस से गाइडेंस से आते हैं ना तो अच्छी लोकेशंस मिल जाती हैं। पीछे देखो यार, अमेजिंग लग रहा है बिल्कुल। और यहाँ पर ना हमारे अरेंजमेंट क्या हो गए, लोकल्स ने हमें जगह का एक्सेस तो दे ही दिया है, साथ ही साथ ना बॉनफायर अरेंज हो जाएगी, तो हमें उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, लकड़ी के बारे में। देन हमें भैया बोल रहे हैं बारबेक्यू ला के दे देंगे, थोड़ा कोल भी मिल जाएगा, तो जिन लोगों को कुछ बारबेक्यू करके खाना है तो वो भी कर सकते हैं। बट यार मैं थोड़ा सा ना ठंड लग रही है, अब जल्दी से कपड़े पहन लेता हूँ। दिस इज़ द लोकेशन। थोड़ा सा ना मैंने आपको ड्रोन शॉट में दिखाया भी होगा, अभी क्या ना अपना ड्रोन छोटा वाला है ना मिनी टू, तो वो ज़्यादा ऊँचा तो उड़ता नहीं है, और चारों तरफ है इसमें देखो पेड़। ये देखो चारों तरफ से ना हम पेड़ों से कवर्ड है, तो मैं ज़्यादा दूर नहीं उड़ा पाया, वो नहीं कर पाया, बाकी ये सब कल देखूंगा। अभी ना मन कर रहा था कि बस जल्दी से सेटअप हो जाए हम लोग यहाँ पर। और भाई दोबारा बोलता हूँ ठंड लग रही है, कपड़े पहन लेता हूँ। मंजू भाई, भाई तुम तो बिल्कुल फुल एंड फुल हॉट हो, तुम्हें तो जरूरत नहीं है जैकेट जुकेट की। होना है जो चलो ठीक है यार, अब शुरू करते हैं यहाँ पर अपनी सेटअप कंप्लीट कर लेते हैं। बंदे कुछ स्काउट करने गए हैं आसपास क्या है, व्यू पॉइंट है भैया बता के गए हैं, अभी यहाँ पर ना सनसेट पॉइंट है वहाँ तक गए हैं देखने के लिए। तो अगले दो दिन यही है, दो दिन का मतलब है आज रात और कल का पूरा दिन, तो माहौल दिखाते रहेंगे आपको और मजे कराते रहेंगे अपने साथ साथ यार। लेट्स एंजॉय।
एंड भाई थोड़ा बहुत ना मैं दिखा ही रहा हूँ आपको यार, मैं ना इससे ज्यादा तो दिखा नहीं पाऊंगा, आज ना मस्ती का दिन है, मैं ना लिटरली कुछ नहीं कर रहा हूँ, कैंप साइट पे बैठा हुआ हूँ, कुर्सी तोड़ रहा हूँ, सब लोग लिटरली इस बार तो भाई मजनू भाई भी काम कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत ना मतलब टाट क्या नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं मारा भाई, नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं मारा यार, नहीं नहीं तो भाई बेसिकली इस बार तो मैं देख रहा हूँ मजनू भाई भी तगड़ा काम कर रहे हैं, मैं बैठ के इस बार कुर्सी तोड़ रहा हूँ, थोड़ा सा यार पता नहीं क्या अजीब सा ऐसा लगा, ठंड सी लग गई थी पता नहीं क्या हो गया था, बट ठीक है यार थोड़ा सा ना माहौल वाहौल दिखाता हूँ आपको, बेसिकली सबसे ज्यादा जो बंदा काम कर रहा है ना ये देखो ये ये तो भाई साहब ये बंदे को ना मैं ज्यादा दिखाने नहीं चाहता हूँ, क्योंकि बीवी भी ना मेरा ब्लॉग देखती है और फिर ये बोलेगी भाई तू तो कुछ नहीं करता कैंपिंग में जाके, सारा काम ऐसे जब वाइफ आती है तो यार प्रिया से करवा लेता हूँ, प्रिया होती है तो अभी यार जीतू भाई है तो देखो, वरना यार आपको तो मेरा पता ही है मैं ज्यादातर ना यार रेडी टू ईट फूड में बिलीव करता हूँ। धर्मेंद्र भाई थोड़ा बहुत आग को जो है ना जैसी बुझने लगती है उंगल कर देते हैं, आग में फुल मजा आ जाता है, 100 रुपए में फुल आग लगा रहे हैं धर्मेंद्र भाई। आग नहीं जलेगी तो भालू आएंगे, चीते आएंगे और चिकन हम खाएंगे वो हमें खा जाएंगे। अरे यार तुम्हारे होते हुए तुम्हारे डोले होते हुए धर्मेंद्र वाले, अरे यार कौन शर्मिले। और ये देखो भैया सेलिब्रिटी साहब बैठे हैं, ये वेट कर रहे हैं, 8 बजे का अपॉइंटमेंट दिया हुआ उन्होंने कुछ लोगों का, 8 बजे मिलेगा आप इन लोगों से। और एक मिनट यहाँ क्या हो रहा है भाई, तरुण जी भाई मैंने तो सोचा तुम बहुत भोले लड़के हो, ये सब तुम अकेले ये सब सजा के बैठे हो अपने लिए, मैं कुछ नहीं कर रहा मैं तो भाई साहब मैंने तो सोचा तरुण चिकन नहीं खाता, चिकन रखा है ये क्या है, चिकन का है चिकन, ये क्या ये बियर है ये कुछ और है यार, दिस इज लाइक रियली बैड यार भाई, नहीं सॉरी यार भाई, भाई फैमिली को बताना पड़ेगा ये सब क्या हो रहा है भाई, मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ ये सब, मैं आपके लिए देख रहा हूँ कोई आ ना जाए इधर उधर से भालू। अच्छा अच्छा बचा के रखा हुआ है सबके लिए, हाँ हाँ भालू से बचा के रखा हुआ है, ठीक है भालू वो मैं हूँ, सबको पता है कि यहाँ हो क्या रहा है, क्या मस्ती हो रही है, बट हाँ ऑफकोर्स वी आर विथ फ्रेंड्स, दिस इज जिसे कहते हैं ना ब्रीदर है यार इन लोगों के लिए, तो ये अभी भी ऑफिस से छुट्टी लेकर आना करना, सब लोग पूछते हैं यार कैसे होता है पॉसिबल, यार ये ऐसे होता है पॉसिबल कि एफर्ट डालना पड़ता है यार, तो सैटरडे संडे बैंक का ऑफ था, दे मेड द एफर्ट टू फिनिश देयर वर्क अर्ली, काम पहले ख़त्म करके फ्राइडे छुट्टी लेके यहाँ आए हैं। मैं तो यार ऑफकोर्स दिस इज़ माई बिजनेस, दिस इज़ माई जॉब, तो मेरे लिए ना आसान है ट्रिप्स पे आना और ये करना, बट एफर्ट मार के काम पहले निपटा कर छुट्टी लेकर आना, हैट्स ऑफ टू द गाइस यार। चलो और कुछ आगे दिखाते रहते हैं आप, रात को क्या हो रहा है पता नहीं, कितना रिकॉर्ड करूँगा भाई अब, क्योंकि ना धीरे धीरे मस्तियाँ ज़्यादा होने वाली हैं, आई डोंट नो कितना रिकॉर्ड करूँगा, जितना रिकॉर्ड करूंगा दिखा दूंगा यार, वरना ठीक है मिलेंगे सुबह मिलेंगे यार, देखते हैं क्या दिखा पाता हूँ, देखते हैं